संसद में बीते शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण पर कांग्रेस विफरी हुई है। बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अब सोचिए, बीजेपी के नेता या प्रधानमंत्री कोई इंडिया शब्द भी नहीं बोल सकते हैं। उन्हें इंडिया शब्द बोलने में लज्जा आ रही है, इसलिए वो बार बार ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लेते हैं, इंडिया मुजाहिदीन का नाम लेते हैं। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री की घबराहट को दर्शाती हैं। हमने 26 दलों का गठबंधन बनाया है, तो फिर हमारी बैठक मुंबई में होने वाली है, आय की रणनीति उसमें तय हो। इंडिया को कौन चुरा सकता है? इनको तो इंडिया शब्द बोलने में भी शर्म आती है, इंडिया नहीं बोल पाते, INDIA बोलते हैं। और फिर उसका नाम बदल के कभी कुछ करके उच्चारण करते, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लेते हैं, इंडियन मुजाहिदीन का नाम लेते हैं, इंडिया नहीं बोलते। सवाल तो यही उठता है ना कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ले रहे हैं और आज़ादी की लड़ाई में आप कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं किया। आज़ादी की लड़ाई में ये थे नहीं, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी से मिले हुए थे। पूरा संघ परिवार ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था, आज़ादी की लड़ाई में नहीं था। इस पर क्यों नहीं बात करती है? तो मैं समझता हूँ ये तमाम बातें जो बीजेपी की लीडरशिप के द्वारा लगातार आ रहा है, वो समझने को पर्याप्त है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी संभावित हार से और राहुल गांधी जी की उपस्थिति से भयभीत हो गई। और जब आप भयभीत होंगे तो स्वाभाविक आप अनाप शनाप बात करेंगे, आधारहीन बात करेंगे, मूलभूत समस्याओं पर ये बोलते नहीं हैं, महंगाई पर चर्चा करते नहीं हैं, रोजगार क्यों नहीं है उस पर बात करते नहीं हैं। बात तो इनको बताना पड़ेगा ना, जो कांग्रेस के समय 400 रुपये का गैस का सिलेंडर होता था, आज 1200 रुपये क्यों हो गया, इस पर क्यों नहीं बोलते? कहा तो था कि बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, यही बीजेपी सरकार है, आटा दाल गेहूँ चीनी खाद्यान्न तेल सही महंगा है, पेट्रोल डीजल महंगा। तो आप जब जब बीजेपी सत्ता में आती है तो महंगाई क्यों बढ़ती है? उसी का नतीजा है कि अब जनता ने मन बना लिया है इनको सत्ता से बाहर करने का। मध्य प्रदेश की चुनाव होने वाले हैं, देख लीजिए उसमें क्या होगा, वहाँ भी हार होगी। तो कर्नाटक में हारे हैं, हिमाचल में हारे हैं, अब वहाँ भी हारेंगे। जहाँ जहाँ चुनाव होना है, विधानसभा का या लोकसभा का, बीजेपी की हार तय है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सर 2028 में फिर से मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, यानी 2000 हम भी प्रधानमंत्री 2024 से बात करेंगे। अब बोलने में कोई खर्च तो होता नहीं है, क्योंकि आपको बताने के लिए आपकी कोई उपलब्धि है नहीं, तो आप ऐसे ही बात करेंगे ना। अगर किसी मुगलते में या किसी को भ्रम में जीने की आदत हो गई है, उसे मुबारक हो। जनता इलाज करने के लिए बैठी है, अब बीजेपी की वापसी नहीं संभव, बीजेपी तो गई हो। कांग्रेस नेता मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेताओं को मुगलते में जीने की आदत है, देश की जनता बीजेपी का इलाज करने के लिए बैठी है, 2024 में बीजेपी सत्ता से बाहर चली जाएगी। पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।